अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफीरा और आप देख रहे हैं अफीरा द सीन रिएक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि आज तहसीन मेरे साथ नहीं है क्योंकि तहसीन की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तहसीन साथ होंगे, तो उनके लिए दुआ करिएगा कि वो जल्दी ठीक हो जाए। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आज मेरे पास जो वीडियो है वो है तुर्कान अते की वीडियो। तुर्कान अते तुर्किश व्लॉगर हैं, लेकिन वो उनको उर्दू भी आती है। हम पहले भी उन पर वीडियोस कर चुके हैं। आज वो उनका व्लॉग जो है वो जिस सिटी में गई है वो है अदरना। अदरना जो है एक जो है कहा जाता है कि हिस्टोरिकल प्लेस है बहुत ज़्यादा, और उसका हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। चलें फौरन से टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि आज तुर्कान जो है हमें अदरना से क्या दिखा रही है। ठीक है, बहुत सी तहजीबें हजारों सालों से इन जरहेज ज़मीनों में बसी हैं, जो कि तीन दरिया मेरिच, तुंजा और आर्डा की संगम का मकाम है। और इस सरजमीन को कई नामों से पुकारा जाता है। ये शहर 88 साल तक ओटोमन एम्पायर की कैपिटल रहा है। वाओ, 88 इयर्स तक ये ओटोमन एम्पायर का कैपिटल था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्लाह का, मैं भी ठीक हूँ। आज हम कहाँ पे आया, ये है यूरोप का लास्ट पार्ट में आती है हमारी एडिर्ने में। इधर से हमारी दरवाज़ा यूरोप में ओपन हो जाती है। हम ग्रीस में 7 किलोमीटर दूर है, बुल्गारिया में 17 किलोमीटर दूर है। ये मेरे पीछे भी आपको नज़र आ गया, एडिर्ने की सेलिमिया मस्जिद। आज हम डिस्कवर कर लेंगे एडिर्ने। एडिर्ने तुर्की के लिए बहुत इम्पोर्टेंट शहर है। इसकी पहली बात यही है कि ओटोमन एम्पायर ने 88 इयर्स एडिर्ने ओटोमन एम्पायर का कैपिटल स्थित था। और इधर आपको हिस्ट्री और ओटोमन की बहुत चीज़ें नज़र आएगा, और ओबियसली यूरोप की बॉर्डर में है। हमने बॉर्डर की विलेज में भी जाएंगे, पर उससे पहले हम कवर कर लेंगे एडिर्ने। वाह, लेट्स गो। हाय दे, हम पहुंच गया एडिर्ने। अभी हम जा रहे हैं डिस्कवर कर लेंगे ब्यूटीफुल सिटी इन टर्की एडिर्ने। एडिर्ने पे आया, ओबियसली हमने ये सेलिमिया मस्जिद देखने जाना है। हम वेरी क्राउडेड, जो ऊपर से व्यू आ रहा है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि ये भी क्राउडेड है काफ़ी ज़्यादा। बचपन से हमारे स्कूल की बुक में भी ये मस्जिद के बारे में बहुत ज़्यादा स्टोरीज था। ये मस्जिद है ओटोमन एम्पायर की सुल्तान में सेकंड सलीम और आर्किटेक्चर मीमार सिनान ने ओटोमन एम्पायर की टाइम में बनाया है। ये मस्जिद की एंट्री है। मस्जिद की एंट्री से पहले एक बाज़ार आती है, फिर उसके बाद मस्जिद जाएंगे। ये है बाजार, ब्यूटीफुल। ये सारी कैंडल्स वगैरह है, ये देख। ब्यूटीफुल कैंडल्स। ये बाजार है, उधर स्टेयर्स है ना, ये स्टेयर्स से चार के हम मस्जिद के ऊपर जाएंगे। अभी हम ऊपर जाएंगे। यार ये हिस्ट्री देख सकते हैं, कितना पुराना, कितना पुराना है ना। इधर भी मांगने वाली होते हैं, मांगने यानी कि जो होते बैगर्स होते हैं। हाँ। है। पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे ही मस्जिद के अंदर जाती हूँ, नीचे बाजार होती है, ऊपर मस्जिद होती है, और इन्होंने एक चीजें भी इधर चेंज नहीं किया है। लोग तो अभी नमाज पढ़ती है। उसने ये बताया है कि उसके पहले बाज़ार आता है, उसके बाद मस्जिद की स्टेयर्स आते हैं, और उनकी दीवारों से पता लग रहा है कि वो कितनी पुरानी है, कितने सौ साल पुरानी है। और इसके अलावा उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, इसमें उसको वैसे ही संभाल के रखा हुआ है।
सच मैं आपको ये कह सकती हूँ, अंदर भी बहुत बड़ा है। ये देखिए, ओह माय गॉड, यार दीदी का फीलिंग्स बहुत अलग है। वाओ, माशाल्लाह। इसी मैंने बहुत ये बता रही है, कह रही है कि मैं पहली दफ़ा यहाँ आई हूँ और ये बहुत बड़ी है अंदर से, और इसका फील ही कुछ अलग है। क्योंकि कहती है मैंने पहले सुना था, सिर्फ बुक्स में पढ़ा था और हमने अपनी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है बचपन में, और यानी कि हमें ये पढ़ाया जाता था इसके बारे में तो। लेकिन जब मैं अंदर आई हूँ और मुझे इस यहाँ की फील ही कुछ अलग है, जो कि बहुत ही अलग सा आपको महसूस कराती है। वाह, सीरियसली ज़्यादा सुना था इस मस्जिद के बारे में, फिर मैंने कहा यार इतना ज़्यादा मस्जिद है, इस मस्जिद का क्या डिफरेंस हो सकती है। बट अभी पता चल गया वाकई ये मस्जिद का डिफरेंस है दूसरा मस्जिद से। फीलिंग्स तो बहुत अच्छा है। इधर उसके फेस से पता लग रहा था, ये देखें उसके फेस से पता लग रहा था कि उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ है यहाँ पे। क्योंकि ये 88 इयर्स तक एक मस्जिद, एक शहर जो है वो कैपिटल रहा है ऑटोमन एम्पायर का, और ऑटोमन एम्पायर में और उससे पहले भी इतने ज़्यादा बुज़ुर्ग गुजरे हैं जो कि यहाँ रहते होंगे, यहाँ पे इबादत करते होंगे, यहाँ से गुज़रते होंगे। तो कैसे कैसे यहाँ पे यानी कि बरकत होगी इस मस्जिद में। तो वाओ, सीरियसली उसके फेस से लग रहा है कि उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ है यहाँ पे और बहुत अलग फील आया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फीलिंग्स तो बहुत अच्छा है। इधर भी तुर्कीश लोगों से ज़्यादा टूरिस्टिक लोग बहुत ज़्यादा है, स्पेशली बुल्गारिया और ग्रीस से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं क्योंकि उनको तो बॉर्डर सिटी है। आप लोगों के साथ मैं एक इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना चाहती हूँ। आपको पता ही भी तुर्की में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट एथनिक की लोग रहती हैं, तुर्कीश रहती है, कुर्दिश रहती है, दूसरा भी हमारी एथनिक भी है, वो भी हम उसको कहती है रोमान। लाइक कुर्दिश पीपल वेस्टर्न साइड में ज़्यादातर होती हैं, तुर्कीश पीपल वेस्टर्न साइड में, रोमान पीपल भी एडिर्ने में बहुत ज़्यादा है। एडिर्ने में आपको ये रोमान का एथनिक बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप लोग गूगल में भी जाके देख ले, लाकि मैं इधर भी एक मेंशन करती हूँ, यही रोमान लोगों की 444 फादर्स ने इंडिया की पंजाब एंड सिंध, पाकिस्तान की करची की एरिया से, इन्होंने अफगानिस्तान से सारी दुनिया में ऐसे आगे मिग्रेट किया है। इधर की लोग एट द एंड उनकी 44 फादर्स बैकग्राउंड पाकिस्तान और इंडिया से आती है। लाइक ये भी इधर की रोमान लोग भी यही कहती है, हमारी बैकग्राउंड इंडिया और पाकिस्तान से आई है। इवन आप इधर की रोमान लोगों को देखेंगी, उनकी फेस फीचर और उनकी शक्ल वाकई पाकिस्तानी और इंडियन की जैसे ही लगती है। मैं तो कौन, वाओ, ये एक नई चीज़ पता लगी है कि जो रोमन लोग हैं वो ये कहते, उनके 44 फादर्स जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया से आए हैं, और पाकिस्तान के शहर कराची से अफ़गानिस्तान के थ्रू यहाँ पे आए हैं, और यहाँ के अदरना में बहुत ज़्यादा हैं वो सब लोग। और उनका ये कहना है कि हम लोग वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पे आए हैं। और इसे ये भी बताया कि उनका फेस जो कट है या फेस शक्ल जो है, इनके फेस, इनके आप कह सकते हैं बनावट जो है फेस की, वो भी पाकिस्तान इंडियन जैसी है। वाओ, ये तो हमें पहले पता ही नहीं था। नई चीज़ पता लगी है। उसी शहर में जाती हूँ ना, ज़रूर उसी शहर की मैं एक मैग्नेट खरीद के जाती हूँ। एक एडिर्ने की मैग्नेट लेना है, वो है 15 तुर्किश लिरा का। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत खूबसूरत है, ये मिरर वाला ओथमन एम्पायर की डिजाइन और यही वाला खम। ये मैं इससे लेती हूँ, ब्यूटीफुल। यही वाला गिफ्ट मैंने आप लोगों को गिफ्ट करनी है। आपको पता है मैं जल्दी पाकिस्तान आती हूँ, मेरे दिल से आया। जब पाकिस्तान आऊँगी मैं यही चीज़ को आप लोगों को गिफ्ट करूँगी। आप लोग यही वीडियो लाइक कर दे एंड नीचे कमेंट कर दे एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आप लोगों के बीच में 3 बंदों सेलेक्ट करके यही गिफ्ट मैं उनको दूंगी, मुझे क्योंकि बहुत अच्छा लगा। एक ग्रीन वाला लेती हूँ आप लोग के लिए, एक
ब्लू वाला लेती हूँ, एक पर्पल वाला, ये तीनों मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको पता बस ठीक है तुर्कान, हमने तो आपकी वीडियो कर ली, तो एक तो मेरे लिए बनेगा, सही है? अब ये कहिए, याद रखना, एक मेरे लिए। आयता ना, ये ओथमान की सबसे इम्पोर्टेंट मस्जिद सलीमिया है, मीमार सिनान ने बनाया था, ये भी मीमार सिनान की, इन्होंने ऐसे एक बिस्तरी लगी होती है 1490 से 1588 And Mimar Sinan, and he made this masjid, Selimiye Masjid. अभी इधर एक और old masjid है, और इधर एक grand bazaar है, हम उधर जा रहे हैं। वाकई अगर आप लोगों ने एडिर्ने में आया है ना, आपको सारी गली में history नज़र आएगा, और different different country की number plate नज़र आएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग आती है। मैं अभी इधर के आपको क्या दिखाती हूँ, ये देख इधर क्या लिखा है, बुल्गारिया ककुतिला, जस्ट 3 किलोमीटर बुल्गारिया इसी शहर से दूर है। हाँ, बुल्गारिया चंद किलोमीटर दूर है, वाओ। बताना चाहती हूँ, एडिर्ने है पहलवानों का शहर है, yes. इससे भी आपको एक मुनवी नजर आती है, इधर आपको पहलवान नजर आती है, काफी ज्यादा एवरी ईयर कॉम्पिटिशन्स होती है वो एडिर्ने में होती है, क्योंकि पहलवान की यही गेम एडिर्ने में स्टार्ट होगी। इवन इधर एक गांव है, उधर बस पहलवान लोग रहती है, इसलिए पहलवान अगर हम कहते हैं, हमारी पहले जीन में आती है एडिर्ने। इधर ये भी है, पाकिस्तान में बादशाह मस्जिद की बहिर होती थी। एक्चुअली वो अगर कह रहे कि आप लोग सारे वो ब्रिजेस विजिट करना चाहती हैं, और ओल्ड उस्मानिया का घर है, ये सारे विजिट करके वापस इधर आना चाहती है, 300 तुर्किश लिरा का है। कच किसी के लिए भी 4 और 5 बंदा इधर आ सकती है, क्योंकि लोकेशन भी इतना दूर नहीं है, नज़दीक नज़दीक जगह है। वो 300 में गुरखान भाई हेल्प करती है, अगर इधरने वाना है गुरखान भाई, ये मस्जिद की ओल्ड मस्जिद की सामने आप गुरखान भाई देख सकती हैं, 300 तुर्किश लिरा भी वाकई बहुत मुनासिब है। छोटे से किला खुला गया सर, दिने के शहर में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, इन्होंने कबूतर और एनिमल्स के लिए ऐसे सब जगह पर ना पानी रखा है, पानी का, इधर बिल्लीज भी आके पानी पीती हैं, ऐसे कबूतर्स भी, इवन आप इधर यही कबूतर के लिए खाना खरीद के उनको बांध भी सकती है। मैं भी आंटी से नेकदार थे, इसे नेकदार 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 दस का है, मुझे क्यों खींच दिया ऐसे, आप कबूतर में खाना देती है, ये देख। आती कह रही कि मेरे पास पैसा होगा, मैंने आपको देना था, मैंने कहा मुझे पैसा की जरूरत नहीं है, शेखर दे रहे हैं इंशाल्लाह, इले सतचलर होले सत चजुकर बेन सता मदन सतारसन इंशाल्लाह सतारसन। यार ये है, हम आ गया इधर, ये इसके पीछे है ग्रीस, ये है एडिर्ने। अभी मैं थोड़ी सी ग्रीस बॉर्डर तक जाती हूँ, इधर घड़ी का इतना लंबा लाइन है ना, सोच नहीं, बात पहली दफ़ा मैं मेरी ज़िंदगी में ग्रीस में इतना ज़्यादा करीब आया। अच्छा, मैं हंसने को ग्रीस बॉर्डर में छोड़ के चले जाती हूँ, आप इधर की बात डंकी लगा के यार। अच्छा ये है, इसके पीछे फिर ग्रीस होती है, बॉर्डर, चलो ग्रीस बॉर्डर। खुदा हाफिज़, आपका अम्मी को बताती हूँ, आप बाकी जी। हम ग्रीस से वापस आया, इधर भी लिखा है वेलकम टू तुर्की। ग्रीस तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे मेरे मुल्क पसंद इसलिए मैं वापस आया। ये बॉर्डर के रास्ते में हमको क्या मिला, ये है दुनिया की सबसे लार्जेस्ट फ्राइंग पैन है, ये इवन गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आई है, इसका सर्टिफिकेट है।
ये हम मैंने जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको मेंशन किया था, क्योंकि मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का वो ज़रा फॉलो करती हूँ, तो उस वक्त मैंने देखा था, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये तुर्की के शहर का शहर है दरना, मुझे हमें ये था कि यूरोप में कोई कंट्री है, तो लेकिन अमेजिंग बहुत, ये देखे ना तुर्की के पास ये भी एजाज है। समझ ही नहीं आया कैसे इतना बड़ा हो सकते, ये देखने के लोग इधर ही आके इसकी अंदर खाना भी पकाया है। इसको उठाना का कोशिश करूंगी, बिस्मिल्लाह। मैं तो पहली बार नहीं बार। हाँ ओ, 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 ओ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये नहर बुल्गारिया से आती है, बुल्गारिया से एडिर्ने, एडिर्ने से एजियन सी तक जाती है, और टोटल 480 किलोमीटर है ये नहर। लाइक 4400 किलोमीटर लंबी ये नहर है, और ये बुल्गारिया से आती है तुर्की में। वाओ, बहुत ही लंबा है, तुर्की के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों ने तुर्की आया, ज़रूर ज़रूर एक दिन का ट्रिप एडिर्ने के लिए रखनी है, आप लोगों का बहुत ही मज़ा आएगा। चाय भी बहुत अच्छा है, नंबर वन है। अभी हम इधर चाय वगैरह खाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, मैंने सर्च भी किया, इधर आके ज़रूर एक कप चाय पी के चले जानी है। इधर की बात हम सिटी सेंटर में दोबारा जाके उधर एडिर्ने की फेमस खाना ट्राई कर लेंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इसे कुछ नहीं खाया, बस वही खाना खाने के लिए। मेरे पीछे बहुत रश है, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। अगर लोग एडिर्ने आते हैं, ज़रूर यही ब्रिज को देख के चले जाती हैं। इवन ये ब्रिज हमने हमारी हिस्टोरिक बुक में इतना ज़्यादा पढ़ा, इतना ज़्यादा देखा, ऑब्वियसली इधर आके नहीं जाना भी नहीं होती थी। ये है बुल्गारिया का कस्टम गेट है, इस गेट का नाम है कपकुले कस्टम गेट, इसकी आगे तो आती है बुल्गारिया। एंड ये हमारी एग्जैक्टली सामने भी ग्रीस नज़र आती है। आई होप अगर खुदा की तरफ से मुझे मौका मिलेगा, मैं आप लोगों को ये दोनों कंट्री का भी ब्लॉग बनाऊंगी। मेरे पीछे आपको एक ट्रेन नज़र आती है, ये तुर्की के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेन है। एक्चुअली 1914 में यही ट्रेन इन्होंने कंप्लीट करती है, क्योंकि ये ट्रेन डायरेक्टली तुर्की से यूरोप जाती थी। जब वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो गया, यही खराच विलेज और इसकी आगे ग्रीस के पास हो गया, इसलिए इन्होंने यही ट्रेन रुक दिया। बस 1923 के बाद जब सम एग्रीमेंट के थ्रू यही विलेज दोबारा तुर्की के पास आ गया, इन्होंने यही ट्रेन बनाना कंटिन्यू किया। उसके बाद 1973 तक यही ट्रेन तुर्की से यूरोप तक चले गए, अभी बंद है, इन्होंने रूट भी इधर से काट लिया। लेकिन एज ए तुर्की एज ए हिस्ट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेन स्टेशन है ये। yes. अभी हमने खाने के लिए आया, फूड लिवर एंड इधर का फेमस एक और खाना है मीट बॉल। मेरे इधर क्या लिखा है, एडिर्ने में आ जाए जियर खा ले, वो कह रही है एडिर्ने आके लिवर खानी है। इधर का सबसे फेमस खाना है लिवर। Sizin de zaten geliş amacınız o. Evet, yani evet. Edirne'yi gezdiniz, dolaştınız. Evet. Camilerini, nehirlerini, evet. Müzelerini gördünüz. Evet. Karnınız acıktı. Dediniz evet. ki biz tava ciğer yemeye gideceğiz. Aynen doğru mu? Doğru. İşte biz de o yüzden diyoruz ki Edirne'ye gel ciğerimi ye. Abi ham tava ciğer kayengi. Tava ciğer means like flat liver. Aman ha yakmayalım. Oh. Bayi çok garmi mi? Bohat müşkül se kaam kerti. Abi gel gel. Önce çık. अभी मैंने इधर गरम गरम एक फ्राई करनी है, लेट्स सी ये रात को लिवर बाकी चलता है या नहीं। हाँ आफियत olsun, hadi gidelim yemeğe şimdi. बहुत टेस्टी है, आया बहुत टेस्टी है। मैं लीवर नहीं खाती हूँ, रेजीन खाते हैं, क्योंकि मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खाती हूँ, लेकिन इसलिए मैं खुशी में, क्योंकि रेजीन को बहुत पसंद है, लीवर और इस तरह की चीज़ें रेजीन बहुत शौक से खाते हैं,
इनको मजा आएगा। मैंने खाने से पहले यही वाला ग्रीन चिलीज खाया, मुझे नहीं पता था ये इतना स्पाइसी है। अभी मेरी पूरी मुंह अंदर से जल रही है, सांस आ रहा है। मिर्च खा ली। मिर्ची है। लिवर के साथ उन्होंने हमको एक सॉस दिया, सैलेड दिया, दही दिया और ये स्पाइसी वाला ग्रीन चिली। बात ये लिवर है ना, बहुत मज़े का है। और इधर है हमारी इधर का मशहूर कोफ्ता राइस के साथ। इधर का थ्राकिया का कोफ्ता भी बहुत मशहूर है, वो शक्ल से भी थोड़ी सी डिफरेंट है। अभी मैंने इसको भी टेस्ट कर लिया। इसका टेस्ट वाकई डिफरेंट है। मुझे तो कोफ्ते पसंद है तो मैं कोफ्ते ओके। हमारे इदिना वाला ब्लॉग इधर खत्म हो गया। मैंने अभी तक काम नहीं किया, मैंने आप लोगों को कितना तुर्की में स्थित दिखा दिया। ये हमारी लास्ट चीज हमने साथ साथ देखा वो इदिना ब्लॉग था। इदिना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका हिस्ट्री होगा और इसका माहौल होगा बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप लोगों को चाहती है कि तुर्की का और स्टेट में विजिट कर लो, बस सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ। एंड स्पेशल थैंक्स टू एवरीवन हु वॉच माय वीडियो अंटिल हियर। खुदा हाफिज। हम अमेजिंग, बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत और हिस्टोरिकल था ये सिटी जो है। और सीरियसली वो मस्जिद में जैसे गई थी थोड़ा सा उसने दिखाया, लेकिन बहुत अच्छा फील था उसका। फूड इज़ गुड, कबाब मेरे लिए और लीवर तहसीन के लिए। और इसके अलावा जो है बाकी जो बॉर्डर्स के करीब है ये बुल्गारिया और ग्रीस के ये सिटी जो है। इसके साथ साथ एक और चीज़ नई जो पता लगी हमें इसमें कि जो इसमें रोमन लोग जो हैं, जो कम्युनिटी है वो पाकिस्तान इंडिया से गई हुई है वहाँ पे। वाओ, और उनके फेस कट्स भी पाकिस्तान इंडिया जैसे ही हैं, ये हमें नहीं पता था पहले और ये हमें इसमें पता लगा। और इसने कहा कि मैं पाकिस्तान आने वाली हूँ और मैं सबको तीन लोगों को वो दूंगी। तो तुर्कान, ये आपके लिए मैसेज है कि एक तो उसमें से मेरा हो गया, ठीक है, बाकी दो आप खुद चूज़ कर लेना, ठीक है। चले, ये तो अब कंफर्म हो गया ना, अब मैं लूँगी कि आपने मुझे ही देना है। चले, लेकिन बहुत अच्छा था, मुझे तो सिटी बहुत खूबसूरत लगी, डिसेंट और बड़ी काम थी। उसमें शोर और वो उस तरह की नहीं था, लेकिन जिस तरह तुर्कान ने बताया कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग ग्रीस से और बुल्गारिया और इन बॉर्डर से ज़्यादा आते हैं, यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। तो ये तो अब देख के पता लगेगा। और उसने ये भी कहा कि आप ज़रूर यहाँ पे आएँ, और यहाँ पे एक नहर भी है जो कि उन्होंने बुक्स में उनको पढ़ा है और उसने आज देखा है। अमेजिंग, बहुत खूबसूरत था। और ये हिस्ट्री के हिसाब से अगर देखें तो तुर्की में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि शायद हम लोग वीडियोज़ में देखते हैं तो वो एक फ़ील आता है, लेकिन हम खुद जा कर जब देखते हैं उसका डिफरेंट एक फ़ील होगा। तो हम भी ट्राई कर रहे हैं इंशाल्लाह कि हम जो जो कुछ वीलॉग्स में, सबके वीलॉग्स में देखते हैं, वो हम खुद आके भी वहाँ देख सकें। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि होपफुली हम जल्दी आप सबके दरमियान हो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को शेयर करने के लिए। इसका ओरिजिनल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ हमें भी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और हमारी सपोर्ट इसी तरह हो सकती है कि आप हमें सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें। जितना शेयर करेंगे उतनी हमारी सपोर्ट होती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घरों में पूछ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।